नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ रौनक। नमस्ते, मैं बउआ रणतंत्र में वेलकम। और भैया, बेंगलुरु के फैंस को तो दो रातों से नींद नहीं आई होगी। क्यों बउआ भाई? अरे, आंखों में ठंडे पानी के छींटे बार बार मार रहे होंगे कि कहीं ये सपना तो नहीं है। अरे सपना नहीं है, सच में उनकी टीम टॉप 3 में पहुंच चुकी है। क्योंकि देखो, वैसे तो बेंगलुरु वालों के जीवन में कोई दुख नहीं है। बिल्कुल, मौसम उनका इंडिया में सबसे मस्त है। खाने पीने के लिए शानदार चीजें हैं, ऊपर से इंडिया की IT कैपिटल। उन्हें जीवन में बस दो ही चीजों का दुख है। कौन सी बउआ? एक तो उनका एयरपोर्ट शहर से इतना दूर है कि उसे एयरपोर्ट से किसी दूसरे एयरपोर्ट पहुंचने में उतना टाइम नहीं लगता जितना घर से एयरपोर्ट पहुंचने में लग जाता है। और दूसरा दुख ये कि इस टीम के हिस्ट्री में विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, ग्लेन मैक्सवेल, शेन वॉटसन, क्रिस गेल जैसे T20 दिग्गज होने के बावजूद कभी T20 वाली ट्रॉफी नहीं जीती। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन अब बस वो दो कदम दूर है और इसमें से पहला कदम उन्हें आज चलना है। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम आज दूसरा क्वालिफायर होस्ट करने जा रहा है, जहां दो रॉयल्स की लड़ाई है, राजस्थान और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। इन दो टीमों में ज्यादा बढ़िया खेल तो देखो राजस्थान नहीं दिखाया, तो आज के प्रीव्यू में पहले बात भी राजस्थान की कर लेते हैं। एक बहुत शानदार ऑक्शन जिसमें उनके पास क्वालिटी ओवरसीज प्लेयर तो पहले ही थे, उन्होंने क्वालिटी इंडियन प्लेयर्स भी भर लिए। रविचंद्रन अश्विन, चहल, पडिकल, प्रसिद्ध कृष्णा, सबके सब भारतीय सुपरस्टार्स। और राजस्थान का मैनेजमेंट ये समझ गया कि अगर इंडियन T20 लीग जीतनी है तो इंडियन प्रतिभा से ही जीती जा सकती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ऊपर से जॉस बटलर ने उनके लिए वही काम किया है जिसके लिए वो जाने जाते हैं, यानी सामने वाली टीम का कचूमर निकालना। बटलर ने ये काम बखूबी किया है और इसे करने के दौरान अपने सर पर ऑरेंज कैप परमानेंट सजा कर रखी है। दूसरी तरफ एक्स बेंगलुरु यजुवेंद्र चहल ने बेंगलुरु वालों को माथा पकड़ने पर मजबूर भी कर दिया है। आखिर हमने इस 24 कैरेट सोने को जाने कैसे दिया? चहल भाई की एक एक विकेट का दुख बेंगलुरु के फैंस को इतना हुआ है कि पूछो मत। लेकिन इस टीम की ताकत सिर्फ इनके पर्पल और ऑरेंज कैप होल्डर नहीं है। संजू सैमसन एक सेनापति की तरह अपनी टीम की कमान संभाले हुए हैं और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जो अंग्रेजी फ्रेज होता है ना, वो संजू ने जबरदस्त तरीके से करके दिखाया है। अश्विन से गेंदबाजी करा लो तो विकेट लेते हैं, बल्लेबाजी करा लो तो रन भी बना देते हैं। मैं तो कहता हूं ना, अश्विन को फाइनेंस मिनिस्टर बना दो, इकॉनमी भी संभाल लेंगे क्योंकि उनकी खुद की इकॉनमी इतनी बढ़िया है कि नहीं। सही बात है। प्रसिद्ध कृष्णा, यशस्वी जायसवाल, हिटमायर को जब जहां जैसे मौका मिला उन्होंने चौका ही लगाया है। लेकिन इन सब के बावजूद लोगों का ध्यान खींचने में बेंगलुरु वाले ही ज्यादा कामयाब हैं। वो भी तब जब विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी और मैक्सवेल इतने जबरदस्त फॉर्म में नहीं रहे। लेकिन फिर भी मिडिल ओवर में हसडंगा, डेथ ओवर में हर्षल पटेल और जोश हेजलवुड, जबकि बल्लेबाजी में रजत पाटीदार और दिनेश कार्तिक ने कमाल कर दिया है। रजत पाटीदार के नाम में भले ही चांदी है लेकिन लड़का 24 कैरेट सोना है। ऑक्शन में न बिकने के बाद इस T20 लीग के बीच रजत पाटीदार ने अपनी शादी भी प्लान कर ली थी, लेकिन फिर बेंगलुरु वालों ने उन्हें रिप्लेसमेंट के तौर पर उठा लिया और पिछले मैच में उन्होंने लखनऊ का बाजा बजा डाला। ऐसे में बेंगलुरु के किसी भी प्लेयर को हल्के में आंकना राजस्थान के लिए एग्जिट के दरवाजे खोल सकता है। दोनों टीमों के लिए पहले ही मैच में अहमदाबाद की पिच को पढ़ लेना अपने आप में एक चैलेंज होगा। पर्सनली अगर आप मुझे पूछेंगे कि मैं किसको जिता रहा हूं, तो मेरा जवाब क्या होने वाला है? क्या होने वाला बउआ? यही कि मैं चाहता हूं क्रिकेट जीते। वाह वाह वाह। इस पूरे साल में अभी तक हमने एक बार भी सुपर ओवर नहीं देखा। अभी तक प्लेऑफ में हुए दोनों मैच एकदम कड़क रहे हैं, लेकिन अगर इस वाले में सुपर ओवर देखने को मिल जाए ना, तो बाय गॉड की कसम कल ऐसी तड़कती भड़कती वीडियो लेकर आएंगे ना कि आपको मजा आ जाएगा। सुपर ओवर नहीं भी हुआ तो भी वीडियो बढ़िया आने वाली। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पे देख रहे तो पेज को लाइक करना, इंस्टाग्राम पे भी राम राम बोलना। और हाँ, अभी मैच शुरू होने में टाइम बाकी है ना, तब तक आपको टाइम पास करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके अपना गेम्स डाउनलोड करो। फुल फील आ जाएगी खेल के। इसमें आपको बीच बीच में बउआ की आवाज भी और रनिंग कमेंट्री भी सुनाई देगी। ऐसे ऐसे गेम खेल के रिवॉर्ड्स जीत सकते हो कि उन रिवॉर्ड्स को यूज करके शॉपिंग भी कर सकते हो। तो जल्दी से अपना गेम डाउनलोड करो और खेल के बताना कि कैसा लगा। मैच के बाद मिलते हैं कल एक कड़क वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।